तो हमारे गिरिराज सिंह मंत्री है, मैं उनके विभाग में एक वर्धा में एक इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ गया था और उनने मुझे एक बॉटल भेज दी, उसमें एम्यूनो एसिड था। तो मैंने उनको कहा कि ये एम्यूनो एसिड जो है ये क्या है? ये बोले प्लांट बूस्टर है। वो लाकर मैंने हमारे खेती पे, मेरी पत्नी ने यूज़ किया, इतना कि 25-30% ग्रोथ मिल गई। तो मुझे लगा किसान आत्महत्या कर रहे, उनका फायदा होगा, ये तो बहुत सस्ता सोल्यूशन है। तो मुझे लगा इसमें राजनीति भी होगी कि नागपुर में जो हेयर कटिंग सलून और ब्यूटी पार्लर वाले हैं उनके 50 रुपये किलो में अगर बाल खरीदी करूँगा तो उनको भी ज़रा अच्छा लगेगा, कि वो फेंक देते थे। तो मैंने, मुझे लगा कि नागपुर में मुझे 500-600 टन बाल मिल जाएगी, क्योंकि मुझे कल्पना ही नहीं थी कि बाल इतने, हेयर कटिंग सलून है, इतने ब्यूटी पार्लर है, सबको मैंने इकट्ठा किया और मैंने कहा मैं 50 रुपये किलो से बाल खरीदी करूँगा, आप मुझे बाल दो। एक महीने के बाद बाल मिले तो 50 किलो ही निकले। तब मेरे ध्यान में आया कि बाल इतने हल्के होते हैं कि इतने नहीं मिलते। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं 5 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ और वो पूरा एम्यूनो एसिड बनता है। फिर एक राज्यसभा में एक एमपी है अभी, डॉक्टर विकास महात्मा, उनको पद्मश्री मिली है, वो जो भेड़ बकरी का उस कम्युनिटी से है। तो मैंने कहा डॉक्टर तू फालतू काम मत कर, तुम ये जो भेड़ बकरी के बाल काटने का काम शुरू कर। तो उन्होंने चालू किया, तो उन्होंने अभी मुझे 3 टन बाल ला के दिए बकरियों के काट के। तो गांव के लड़के उतने होशियार है कि उन्होंने कुत्ते के बाल, बैलों के बाल, भैंसों के बाल काटना शुरू किया, उससे भी एम्यूनो एसिड बनता है। आपको ताज्जुब होगा, 900 रुपये की बॉटल हमने 300 रुपये में दी, धंधा नहीं करना था। अब इतना मार्केट में पॉपुलर हुआ कि पिछले मार्च में हमको 3.5 करोड़ रुपये प्रॉफिट हुआ। अब वो एम्यूनो एसिड जो था उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे, उसके लेबोरेटरी तैयार की, और वो करते करते हमारे यहाँ ऐसे आप जैसे तरुण लोग काम करते थे तो उन्होंने कहा कि ये जो बायो फर्टिलाइजर हम तैयार करें प्रेस मड से, प्रेस मड और स्पेंट वॉश जो शुगर मिल में आता है, इसमें एम्यूनो एसिड डालो, इसकी एनपीके वैल्यू बढ़ेगी। तो उन्होंने एम्यूनो एसिड बना के वो खाद अच्छा तैयार किया। तो किसी को तो भी ध्यान में है कि दुबई के सरकार को ये खाद चाहिए, तो उसने भी 1 किलो बैग को ठप्पा मार के सर्टिफिकेट दे के बेच दिया, पता भी नहीं किसी को। दुबई के सरकार का लेटर आया कि आपका खाद अप्रूव हुआ, बाद में पता चला कि सबसे अच्छा वही खाद था और 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। और अभी अभी बाल बाल कम पड़ रहे हैं, अभी वो पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी 90 कंटेनर चले गए पर बाल कम है। तो अभी मैं कहता हूँ बच्चों को कोमड़ी के लाओ और कोई कुत्ते के लाओ, बकरी के लाओ, भैंसों के लाओ, बाल चाहो, तो वो तिरुपति से पूरे बाल लेके उसका दे। नहीं, दिस इज, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास दिमाग है, आपके पास विजन है, आपके पास आउट ऑफ बॉक्स विचार करने की ताकत है, तो पैसे वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप, यू कैन मेक मिरेकल्स।